नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, उससे पहले कुछ जान लेते हैं हम लोग, कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ये डायरेक्शन का ऐसे नॉलेज होना चाहिए। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा इसी चीज को आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम थोड़ा नीचे से लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट पी है हम लोग का। अब यहाँ नॉर्थ जाना है तो ये हो गया 10 मीटर नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ का साइन दे दिया हमने, ये देखने में अच्छा लगेगा, नॉर्थ का साइन हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन लिखा है, y इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ ए पॉइंट d। y इज 14 मीटर ईस्ट, अब ईस्ट का एरो देखिएगा इस साइड जाना है, तो ईस्ट यहाँ तक चले जाइए, y यहाँ लिखिए और ये कितना है 14 मीटर, ठीक है ना, 14 मीटर यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिएगा पॉइंट q इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट y। अब यहाँ पे 8 मीटर ऊपर की ओर जाना है, 8 मीटर ऊपर की ओर जाना है और पॉइंट क्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखिएगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पॉइंट वाई हो गया, उसके बाद पॉइंट एस इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। अब 20 मीटर जाना है तो 14 से आगे होगा, 20 मीटर मतलब मान लीजिए कि 20 मीटर ये हो गया और यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, एस मिलेगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, एस मिलेगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपसे क्या पूछा गया आगे क्वेश्चन में, आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि पॉइंट एच इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस है। तो ये 8 मीटर मतलब ये यहाँ पे जाके डी के पास कहीं पे जाके एच रुक जाएगा नीचे की ओर, तो ये 8 मीटर है। अब आपसे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच और डी। तो एच और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ से डॉटेड लाइन से अगर हम लोग मिला दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन से मिलाया ना हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ तक 14 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 है। तो यही आपसे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना है एच और डी के बीच में, तो 6 मीटर हो जाएगा सही आंसर, कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो उसके बाद आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2C का देखिएगा। इन विच डायरेक्शन पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में पी किस डायरेक्शन में है, तो ऐसे है देखिएगा, ऐसे है। तो क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर सी। क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा है, ध्यान देना है किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, तो वो भी ध्यान देके आपको आंसर देना है। फोर ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से 4 एक जैसे है, कौन सा अलग है, तो देखिएगा सी बी को देखिएगा, सी बी कहाँ पे है, सी बी देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना ये दोस्तों, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन आ गया, मतलब ये टाइप चेंज हो गया, इस पे केवल 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करते हैं तब जाके आगे बनाते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया, देखिएगा हम इसको हटाते हैं, जो पहले 2 क्वेश्चन थे उसको हमने बना लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखिए, यहाँ पे दूसरा टाइप है और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना, दूसरा टाइप तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो यहाँ से दिख रहा होगा पॉइंट सी, मान लीजिए पॉइंट सी यहाँ पे है, वेस्ट जाना है तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ बना सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब हम लोग को क्या देखना है, पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो यहाँ पे कहीं जाके पॉइंट ए होगा और एरो का मार्क यहाँ हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 12 मीटर, तो ये चीज हमने किया। उसके बाद देखिएगा पॉइंट बी इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, मतलब यहाँ से कुछ लंबाई पे जाइए 18 मीटर दे दीजिए और यहाँ पे कहीं जाके आपको बी मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बी मिल जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है।
आगे लिखा हुआ है कि पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, तो डी पॉइंट नहीं है तो उसको हटा दीजिए अभी। पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ये भी शायद नहीं है ई पॉइंट, इसको भी हटाइए। तो उसके बाद पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी मतलब ईस्ट यहाँ पे जाता है 28 मीटर तक, कुछ दूरी तक जाएगा और यहाँ पे 28 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि हम लोग को कौन सा पॉइंट नया मिला, डी मिला। अब डी ऊपर था, देखिएगा एक लाइन लिखा हुआ है पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, मतलब 9 मीटर इसका आधा, मतलब यहाँ पे जाके पॉइंट ई रुक जाएगा, यहाँ पे जाके पॉइंट ई रुक जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ई है 9 मीटर साउथ में, डी के साउथ में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया। उसके बाद पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, अब ई के वेस्ट जाना है तो इस डायरेक्शन में जाएगा 14 मीटर, मतलब इसका 28 का आधा कौन पॉइंट है, पॉइंट एफ 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है कि पॉइंट एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी। अब ये 9 हो गया और यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे करके तो यहाँ पे कहीं जी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देते, यहाँ पे कहीं जी मिल जाएगा, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे कहीं जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर बना लिया हमने। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, फोर ऑफ दी फॉलोइंग मतलब एक जैसे है, कौन सा अलग है, तो सी और बी को देखिए, सी और बी ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सी और बी हो गया, उसके बाद देखिएगा ए और डी, ए और डी कैसे जा रहा है, ए और डी भी ऐसे ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा ए और ई, ए और ई कैसे जा रहा है, ए और ई भी इसी तरह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए और ई हो गया, उसके बाद देखिएगा बी और जी, 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 बी और जी भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ एफ और बी देखिए, एफ और बी, एफ और बी, एफ और बी ऐसे जा रहा है, तो ये एफ और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ऑड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमने बनाया, आगे देखिएगा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, ए के रिस्पेक्ट में जी कौन से डायरेक्शन में है, ए के रिस्पेक्ट में जी, तो ये ऐसे जा रहा है ना ए के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट, ए विथ रिस्पेक्ट टू जी। अच्छा, ए विथ रिस्पेक्ट टू जी पूछा गया है, यहाँ ऐसे हम लोग को जाना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप। आगे कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन दिया हुआ तो होगा तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच और डी, तो ये क्वेश्चन आप हम लोग का खत्म हो गया, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन थे, तो 2 अलग अलग टाइप के हमने आपको डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन बता दिए, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टॉपिक इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, आसानी से बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताते, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस लेवल का एग्जाम होगा उसी लेवल को हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।